मॉर्निंग स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रीति कोहली विल बी स्टार्ट चैप्टर 4 मैप्स इन ज्योग्राफी। अर्लियर यू हैव रीड अबाउट द ग्लोब। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट मैप्स, देयर टाइप्स, यूजफुलनेस एंड मैनी मोर एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद इट। आप पहले ही ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हो। ग्लोब क्या है? ग्लोब भी एक मॉडल ऑफ द अर्थ, सेम एज जैसे हमारी पृथ्वी होती है वैसे ही ग्लोब की भी शेप होती है। इस चैप्टर में आप मैप्स की स्टडी करोगे, उनके टाइप्स, उनकी यूजफुलनेस और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो मैप से रिलेटेड हैं, उन सब के बारे में आप स्टडी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द मैप यू विल ऑल्सो रीड अबाउट द डायरेक्शंस। मैप के साथ साथ आप इन सब की डायरेक्शन के बारे में भी रीड आउट करेंगे। All these things are vital to us and help us evolve basic life skills required in our daily routine। ये सभी चीज़ें जो विस्तृत रूप से हमें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इवॉल्व होती हैं, हमारी हेल्प करती हैं हमारा डेली रूटीन में, हमारी बेसिक लाइफ स्किल में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सभी, इन सभी का हम इसके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मैप्स, व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अबाउट अ पार्ट ऑफ द अर्थ, अ कंट्री, अ स्टेट, अ सिटी और अ विलेज, वी नीड टू यूज़ अ मैप। अगर हमें, मान लीजिए अर्थ की या कंट्री की या स्टेट की या सिटी विलेज इनकी स्टडी करनी है या हम इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो हमें मैप की आवश्यकता होती है। हम इसका मैप का यूज़ करते हैं। ए मैप इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ एनी एरिया ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप एक ऐसा ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, एक बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है ड्राइंग किया हुआ किसी भी एरिया का, अर्थ का, फ्लैट सरफेस का, जिसके द्वारा हम वहाँ के डायरेक्शंस का, नक्शों का पता लगा सकते हैं। इट इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू अ स्केल। ये एक स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉन किया जाता है। मैप्स गिव अस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ एन एरिया। मैप्स के द्वारा हमें एक्यूरेट, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन एरिया की मिलती है। दे आर ईजी टू कैरी एंड कैन हेल्प टू मेक कंपेरिजन बिटवीन एन वन एरिया एंड अनदर। ये किसी भी स्थान पर ले जाने में या उसको कैरी करने में हमें बहुत ही ईजी रहता है। हम कहीं भी इसको, मैप को ले जा सकते हैं और ये हमें बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देगा। मैप्स आर डिफरेंट टाइप्स। Several map are put together in the form of a book which is called an atlas. Map different types के होते हैं और maps को हम अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। कहीं भी हमें, जहाँ हमें इसकी नीड है, हम उसको अपने साथ रख सकते हैं बुक की फॉर्म में और इसको हम atlas कहते हैं। The only drawback with maps is that they do not show the accurate shape and size of the continent and oceans, especially as we move towards the two poles. यहाँ पर ओनली इसका एक मैप का ड्रॉबैक ये है कि ये बिल्कुल सही कंडीशन या सही माप नहीं दिखाते हैं, एक्यूरेट शेप और साइज कॉन्टिनेंट की, ओशन की नहीं दिखाते हैं और जब हम पोल की ओर मूव आउट करते हैं। इनसाइड The art of preparing maps is called cartography। जो मैप को प्रिपेयर करना, मैप को प्रिपेयरिंग करने की या तैयार करने की जो कला है उसको हम कार्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ मैप। मैप्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। मैप तीन प्रकार के होते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थियोमेटिक मैप। ये तीन प्रकार के मैप होते हैं। इनसाइट, अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी एटलस इज अ ग्रीक गॉड
हू कैरीज द अर्थ ऑन हिज शोल्डर्स। ग्रीक के अकॉर्डिंग, मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम एटलस को ये देखते हैं कि ग्रीक गॉड, जो कि ये ग्रीक गॉड है जो कि पृथ्वी को अपने कंधे पर ले हुए है या अपने कंधे पर ले जा रहा है।